सालियाखेड़ी में तीन लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सुस्नेह स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची ग्राम सालियाखेड़ी। सोयत कला समीप ग्राम सालियाखेड़ी में 9 मई के दिन 7 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उसमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्राम पंचायत को सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत द्वारा पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन किया गया, साथ ही दवाई का किट वितरित किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बीएमओ मनीष कुरील द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही बताया गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाई का समय समय पर सेवन करें और घर से बाहर ना निकलें। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि सर्दी खांसी बुखार आने पर नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाएं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, समय पर उपचार करवाएं। सुस्नेह स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुकेश सूर्यवंशी, सुपरवाइजर राम गोपाल पाटीदार, माया वैष्णव, आशा कार्यकर्ता तेजा मेघवाल उपस्थित रहे। आगर मालवा से कमलेश मालिक की रिपोर्ट। सर, आज सालियाखेड़ी में कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अभी तक के सैंपल कितने हुए सर यहाँ पे? तो ये लोगों का जो है तो सिम्टम आने के बाद जांच के लिए सोयत कला पहुंचा सकते हैं? हाँ, फिर हमारे आरआईटी टीम भी घर जाकर के भी सैंपल दे देंगे, सहयोग करें। थोड़ी सी भी बुखार उखार आए तो हमारे कार्यकर्ता से संपर्क करें। वैसे भी घरों सर्वे चल रहा है, हर एक घर में जा रहे हैं। नहीं तो सर, ये दवाई से ही ठीक हो रहे हैं? अधिकतर लोग तो घर पे ही ठीक हो रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अगर परेशानी है उस टाइम अगर अपने दवाई चालू करते हैं तो घर पे भी ठीक होगा। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि लेट बताते हैं, 8-10 दिन हो गए बुखार को खांसी, तब फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो वो गलती ना करें, शुरुआत में जरा सा भी लक्षण आए तो आप तत्काल दवाई या जाँच करवा सकते हैं। देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।